जा रहे हैं डुगरी गुरुजी के मंदिर, और ये विनीत आंटी खड़ी हैं जो कि पूरे ग्रुप को मैनेज कर रही हैं। जय गुरुजी। फ्रेंड्स देखो मौसम कितना शानदार हो रहा है। जय गुरुजी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 1 अप्रैल, रात के बज रहे हैं 4, और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं डुगरी गुरुजी के मंदिर। गुरुजी के मंदिर कैसे जा रहे हैं, हम लोगों का सडनली प्रोग्राम बन गया है, मेरा सडनली प्रोग्राम बन गया है, मम्मी का तो पहले से प्रोग्राम बना हुआ था। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, देर हो रही है। अगर आप भी गुरुजी को मानते हैं या गुरुजी के डुगरी वाला मंदिर देखना चाहते हैं व्लॉग को, तो व्लॉग को पूरा देखना। फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन, और काफी सारी संगत तो आ चुकी है। फाइनली चल रहे हो डुगरी? बुला लिया गुरुजी ने, बुलाएंगे तो सही ना। हम लोग सब स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन आने का वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं अभी स्टेशन पर हूँ, ट्रेन आने का वेट कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग स्टेशन पे ही खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी संगत है। ऑलमोस्ट 200 के आसपास संगत है, और सभी लोग हम लोग जा रहे हैं डुगरी गुरुजी के मंदिर। तो अब मैं आपको बताऊँ मेरा प्लान कैसे बना है डुगरी जाने का। कल शाम तक मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं था, कल मुझे सडनली पता चला कि एक टिकट खाली है। तो मेरा एकदम से मूड बना जाने का, तो मैंने कहा मैं भी जाता हूँ। तो मैंने कॉल करके पूछा टिकट अगर हो तो मेरे लिए बुक कर दीजिए। तो ऐसे करके मेरा सडनली प्रोग्राम बना है डुगरी जाने का। मेंबर्स को इस तरीके के बैग्स मिले हैं, और इस तरीके के ब्रेकफास्ट के बॉक्सेस मिले हैं, और ये विनीत आंटी खड़ी हैं जो कि पूरे ग्रुप को मैनेज कर रही हैं। जाने के लिए मम्मी रेडी हो चुकी जाने के लिए। मम्मी कुछ भी नहीं बोल पा रही है, बहुत ज्यादा खुश है। जय गुरु जी। हम लोगों को 1.5 घंटा हो चुका है स्टेशन पे, और सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं आप, सभी लोग हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन आने का। सभी अभी नया अपडेट आया है, और 5 मिनट में हम लोगों की ट्रेन आने वाली है। सब लोग हम लोग ऑलमोस्ट काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ जाके कैसा लगता है। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको पूरे मंदिर के सभी सारी लोकेशन दिखाऊंगा, और कैसा है मंदिर, कैसा है सब, बहुत अच्छे से मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। मैं तो अभी स्टेशन आया हूँ, और हमारे ग्रुप में जितने भी लोग डुगरी चल रहे हैं, ऑलमोस्ट इतने सारे लोगों ने मुझे बोल दिया है कि क्या बात है आज ब्लॉग नहीं बना रहे। मतलब इतने सारे लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं, मुझे पता ही नहीं था। बहुत खुशी हो रही है ये सुनके कि सभी लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, हमारी ट्रेन आ चुकी है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों की ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अभी थोड़ी देर रिलैक्स करके बाद में लंच के टाइम पे उठूँगा। हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग ट्रेन में चढ़े हैं, इसलिए अब सब लोग सो रहे हैं ट्रेन में। और ये आ गया है मेरा लंच, गुरुजी का प्रसाद। अभी हम लोग काफी देर से खड़े हुए हैं भैनी कुर्द पे, और अभी थोड़ी देर में आने वाला है अंबाला, और काफी देर से 1.5 घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। फाइनली चालू हो गई है ट्रेन, और मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे अंबाला। फ्रेंड्स देखो मौसम कितना शानदार हो रहा है, और एक अलग ही फील आ रहा है इस मौसम में। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम लोग अंबाला स्टेशन पर पहुंच चुके हैं 5:21 पे, जबकि हम लोगों को 1:30 बजे पहुंचना था। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अंबाला स्टेशन पर पहुंच चुके हैं,
गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, और अब हम लोग जाएंगे बस में। बस में हम लोग जाएंगे जहाँ हम लोगों ने होटल बुक किया है, वहाँ जाएंगे सीधे। तो फ्रेंड्स, गुरुजी की सारी संगत खड़ी है स्टेशन पर। अब हम सब लोग जा रहे हैं बस की तरफ, बस में जाएंगे अब हम लोग होटल। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल के बाहर। ये बस से सामान निकल रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं होटल। तो ये है फ्रेंड्स होटल एपी रेडियंस, और अब हम लोग अंदर जाएंगे, चेक इन करेंगे, सब लोग देखेंगे किसको कौन सा रूम मिल रहा है, और फिर मैं आपको रूम दिखाऊंगा। और यहाँ पे सभी को रूम अलॉट किए जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं मेरे रूम में और मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो यहाँ से अंदर देखेंगे, ये बेड लगा हुआ है और ये है वॉल, और नीचे भी एक बेड लगाया हुआ है थर्ड पर्सन के लिए, और सामने एलईडी लगी हुई है। अब मैं आ गया हूँ फ्रेंड्स नीचे, क्योंकि नीचे लंच चल रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं। और ये है चाय, और चाय के साथ रखे हैं तीन तरीके के पकौड़े, तो हल्का फुल्का नाश्ता है। फ्रेंड्स, अभी आ गया हूँ मैं अपने रूम में चाय पी के और जो पकौड़े वकौड़े थे वो खा के, और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ दोस्तों। अब मैं आराम करूँगा, क्योंकि कल सुबह हम लोगों को 7 बजे डुगरी के लिए, गुरुजी के मंदिर के लिए निकलना है। तो इस व्लॉग को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूँगा कि कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि कल के व्लॉग में मैं आपको पूरा गुरुजी का मंदिर, गुरुजी के दर्शन करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना।